শিলচর শহরের বর্তমান ইখনের পিছন সিখন রেস্টুরেন্ট দেখা গেছে যদিও আগতে দক্ষিণী খাদ্য রেস্টুরেন্ট নাছিল। শিলচর জানিগঞ্জের শাখাহার রেস্টুরেন্টখনে খাদ্য প্রেমীসকলক দক্ষিণী খাদ্যর সঙ্গে পরিচয় করাইছিল, যাক বহুতেই সৰুপা বুলি জানে। কিন্তু আপনাদের জানেনে, যা 30 বছর আগতে এজন রাজস্থানী মহিলা কান্তা সিপানিয়ে এই দক্ষিণী খাদ্যর রেস্টুরেন্টখন আরম্ভ করেছিল। मेरे जेठ जी ने की थी, पर वो थोड़े समय तक ही काम कर पाए क्योंकि उनकी फैमिली कलकत्ता रहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो और अब इसको अरेंज नहीं कर पाऊँगा। और उसके ठीक पहले मैं 90 में ऑलरेडी लेडीज़ डिपार्टमेंट का टोटली ही सामान मैंने सब खोल रखी थी। तो मेरे वो थोड़ा बहुत उससे मेरे को अनुभव भी था। फिर मेरे जेठ जी ने कहा कि तुम अगर संभाल सकती हो तो तुम इसको हैंडल करो, नहीं तो मैं तो इसको ऑफ करके चला जाऊंगा कलकत्ता, क्योंकि उनकी फैमिली कलकत्ता ही रहती थी। तो ठीक है, मैंने फिर ये मैंने अपने तरीके से इसको अरेंज किया। मैंने इसको ये इसी मार्केट में सामने पोर्शन में था, मैंने इसको नीचे लेके आया। फिर मैंने ये पूरी अपने हिसाब से যদিও এখন রেস্টুরেন্টত প্রথমে রাজস্থানী থালিরে আরম্ভ হয়েছিল, 30 বছর আগতে এগারী বিবাহিত মহিলার পক্ষত ব্যবসায় আরম্ভ করা সরু কথা নাছিল। কিন্তু পরিয়ালর সহায়তাত কান্তা সিপানিয়ে এই যাত্রাত খোঁজ দিয়ে। সমগ্র বরাক উপত্যকা ভ্রমণ করা নিরামিষ ভোজির একমাত্র ঠিকনাই হয়েছে শাখাহার রেস্টুরেন্ট, কারণ এই রেস্টুরেন্টখন সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজি। কেবল ইডলি সাম্বার দোসাই নহয়, মারওয়ারি রাজস্থানী থালিও এই রেস্টুরেন্টত উপলব্ধ। এই সিপানী পরিয়ালে ঘরতে বনুয়া মশলারে সুস্বাদু খাদ্য তৈয়ার করাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। শিলচরের খাদ্যপ্রেমী সকলক দক্ষিণী উত্তম খাদ্য পরিবেশন করবলেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সিপানী পরিয়াল। और फिर आस्ते आस्ते हमने मारवाड़ी राजस्थानी थाली भी स्टार्ट कर दी अब। और फास्ट फूड भी है, वो सिर्फ शाम को है, 5 से 10 तक शाम को। कि जब ये सिलचर में उस टाइम साउथ इंडियन कोई भी नहीं था, तो मेरे जेठ जी का भी था कि हम भी बोलते थे कि हर जगह जाते हैं डोसा अच्छा लगता है खाने में, तो अपने लोग भी हम बाहर का खाना यहाँ पे टेस्ट कर पाए। पहले इसको जो स्टार्ट किया राजस्थानी थाली से ही स्टार्ट किए थे मेरे जेठ जी ने। फिर हम सबका बोलने से फिर उनको लगा कि नहीं साउथ इंडियन भी आना चाहिए, करें इसके साथ ही ऐड करें, तो हमने फिर साउथ इंडियन भी ऐड किया। उस 30 साल पहले साउथ इंडियन सिल्चर में कस्टमर है। कितने साल से खा रहे हैं? 10 साल से यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं। 10 साल तो नहीं, आज 5-6 साल से। सबसे बेस्ट खाना सिलचर का यही है यहाँ पर, सही पूछिए तो। साउथ इंडियन भी, साउथ इंडियन और वेज, हाँ वेज दोनों ही खाना अच्छा है यहाँ। नहीं तो जब सिलचर आते हैं ना तो ये सोचते हैं पहले शाकाहारी यहाँ पे आना खाना खाने के लिए, बाद में मार्केट में जाना है। तो हम घर में जो मसाला जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं हम रेस्टोरेंट में भी वही यूज़ करके अच्छा बनाने की कोशिश। तो मेरा फिलहाल मन है कि मैं इसी को और अच्छा करूँ, बाहर पहले इसी पे ज़्यादा ध्यान दें। सीखा उन्हीं से ही सीखा हम लोग, देखिए बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब है भी नहीं भी, हम लोग हमेशा बाहर ही रहे। बिजनेस बैकग्राउंड से मेरे फोर फादर्स और थे, तो उन लोग का सिस्टम अलग था, हम लोग का सिस्टम अलग है। हम लोग जॉब में ज़्यादा जाने लग गए थे और यहाँ मम्मी अकेली थी, तो एक एक भाई को आना ही था। अच्छा। तो एक भाई मेरा अभी भी जॉब में और मैं यहाँ पे हूँ। तो बैंगलोर में 2 साल जॉब किया, उसके बाद दिल्ली से MBA किया, उसके बाद 3-4 महीना वहाँ भी जॉब किया HCL में। फिर बाद में लगा नहीं, घर जाने में भला ही है, मतलब हो जाता है ना। आप जैसे जीन्स में ही अगर बिजनेस है तो जॉब में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे।